Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे CDP in one shot, यानी child development and pedagogy in single video, या एक शॉर्ट में, ठीक है? बिल्कुल बढ़िया रिवीजन करेंगे. अगर आप ये अकेला सेशन देखने के बाद, आज से पहले अगर आपने एक दिन भी नहीं पढ़ा था CDP को, तब भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. इवन 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं CTET में. इसके अलावा किसी भी एग्जाम में अगर आप जाकर के बैठ जाइए, चाहे वो HTET हो, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, आप CDP में अच्छा करेंगे, एवरेज लोगों से काफी ऊपर रहेंगे. सिर्फ एक सेशन की बात कर रही हूं मैं, ठीक. चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं. बहुत सारी चीजें इसमें हैं. मैं पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन लेकर के चल रही हूं कि एक बार पूरा सिलेबस, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में, वो आप अच्छे से समझ लें, ठीक. समझेंगे चीजों को. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, कर दिया होगा बिना कहे. आज आपकी कई क्लासेस थी तो इसलिए थोड़ा सा सेशन को लेट किया है. फिर मेरी भी एनर्जी डाउन थी, जो कि चली रही है पिछले काफी दिनों से. खैर, वो सब कुल मिला करके बराबर हो जाएगा. ये जो PDF है, आपको क्या करना है, ये सेशन बैठ करके देखना है शांति से. कोई नोट नहीं करना, कोई पेन नहीं लेना, आराम से बैठना, एकदम बिल्कुल जैसे आप कुछ मूवी देखने बैठे हैं. आज मैं ये बात कह रही हूँ, ये ऑपोजिट है जो मैं जनरली कहती हूँ उसके, है ना. क्योंकि एक बार देख लीजिए अच्छे से, दिमाग में चली जाए चीजें, फिर PDF आपको मिल जाएगी, या दोबारा वीडियो देख करके नोट्स बना लेना, है ना. पहले समझ में आनी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. कुछ नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आप रिवाइज करेंगे. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के, ये सोच के वीडियो मत देखिएगा कि ये हिंदी में होगी कि इंग्लिश में होगी, या ये सोच के छोड़िएगा भी मत, है ना. आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक. कुछ चार शब्द एक साथ सीख जाएंगे, कुछ मैं आपसे सीख लूंगी, क्या दिक्कत है. क्लियर है बात. तो आज हम डेवलपमेंट को पूरी तरह से समझने वाले हैं. आप किसी पेपर में बैठ जाइए, इसके बाद डेवलपमेंट डन, कभी नहीं पढ़ना दोबारा. अगर हम बात करें आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, RTE NCF, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा जिसको हम कहते हैं, है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका फिर इंटेलिजेंस हो, बुद्धि जिसको हम कह रहे हैं, सारी चीजें हम समझेंगे एक एक करके, पेशेंस के साथ समझेंगे. थोड़ा सा पॉइंट में कट टू कट रखूंगी ताकि हम टू द पॉइंट बात कर सकें, बट आपकी समझ में भी आ जाए, ठीक. अगर हम बात करते हैं ये अपने आप में जो डेवलपमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप में से कई लोग तो होंगे जो TGT का एग्जाम दे रहे होंगे, कोई साइंस का टीचर बनने जा रहा है, कोई किसी का, कोई प्राइमरी टीचर बनने जा रहा है. ये पढ़ाना तो होता नहीं हमें सब्जेक्ट स्कूल में. ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो इंसान है ना, जो व्यक्ति है, हम जीव हैं एक तरह के, हमारे अंदर चेंजेस हमेशा होते रहते हैं जीवन पर्यंत, और इन चेंजेस को हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसमें कुछ और वर्ड्स हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं. अब बच्चे को आप अच्छे से समझ पाएं, उसके डेवलपमेंट को आप अच्छे से समझ पाएं, और उसको बेहतरी के लिए आगे बढ़ा पाएं एज अ टीचर, इसलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक. समझते हैं फिर कुछ पढ़ाने की स्ट्रेटजीज होंगी, और बच्चे कैसे डेवलप करते हैं ये कहानी होगी. आ जाओ पहले फटाफट से, फिर शुरुआत करेंगे. लाइक शेयर कर दो खुशी खुशी, और एकदम जानदार शुरुआत करेंगे. देखो यहां हम सभी में कॉमन है ये चीज, इवन सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, मतलब सभी जीवों में अगर देखें कि चेंज, स्पेशली इंसान की बात करें तो चेंज हमारा ये जन्म से लेकर के, इवन वूम्ब से लेकर के, गर्भ से लेकर के और कब्र तक, ये रेस्ट इन पीस तक चलता रहता है. इस बीच बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं. हम देख रहे हैं बच्चा बड़ा होगा, फिर और स्कूल में जाएगा, फिर जॉब पे जाएगा, फिर और एक्सपीरियंस कहलाएगा, देन बुढ़ापा, फिर टाटा बाय बाय फिनिश, है ना. अब मैं ये मौत का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ये सैड ट्रूथ है, रियलिटी ऑफ लाइफ है, जिसको हमें हंसी मजाक में पढ़ना है. मजाक वाली चीजें यहीं छोड़ के जानी है, सीरियस बातें जो समझ में आ जाए उनको लेके जाना है, ठीक. तो ये क्या है, चेंज है. अगर हम सभी ह्यूमन बींग्स की बात करें, यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, लिविंग बींग्स की बात करें, तो चेंज एक ऐसी चीज है जो होती रहती है, है ना. कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो एक वर्ड में अगर हम समझना चाहें तो कह सकते हैं ये चेंज है, परिवर्तन है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज चेंज. ये मुझे लगता है एकमात्र इकलौती लाइन है, और बहुत ही कम शब्द में लिखा है मैंने आज. मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूंगी आपको कि एक जो फीचर है, एक जो विशेषता है हम सभी लिविंग बींग्स के अंदर, वो कॉमन है. वो क्या है, चेंज, परिवर्तन, है ना. हम डायनामिक हैं. क्या है, हम डायनामिक हैं, परिवर्तनशील हैं, ठीक है. और ये परिवर्तन ऐसे नहीं है कि रात को सोए और सुबह उठे तो देखा 6 फीट के हो गए. ये कोई रैंडम परिवर्तन नहीं है. हम कहते हैं सीक्वेंशियल परिवर्तन, ऑर्डरली चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस विकास कहलाते हैं. तो चेंज प्रकृति का नियम है, मतलब हम कह सकते हैं चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट कहा भी जाता है. और जो मैं हमेशा कहती हूं कि जैसे आप जन्म के समय होते हैं वैसे आप 5 साल बाद नहीं होते, जैसे आप 5 साल के होते हैं वैसे आप 15 में नहीं होते, जैसे आप 15 में थे आप 25 में नहीं होंगे. अब से 5 साल वाले अपने आप वाले वर्जन को ही आप आज बेवकूफ कहते होंगे, है ना. उससे 5 साल वाले को और बच्चा कहते होंगे, अगले 5 साल वाले को पता नहीं क्या कहेंगे. ये आप निर्धारित करेंगे कि आप कैसे खुद को डेवलप कराते हैं अच्छे से, ठीक. तो एक डायनामिक प्रोसेस है, एक परिवर्तनशील प्रोसेस है, ठीक. चेंज
जो कि सभी मनुष्य में होता है, लिविंग बींग्स में होता है, सभी जीवों में होता है। और कोई भी रैंडम चेंज, कोई भी अचानक से आकस्मिक जो परिवर्तन है, उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह देते। हम डेवलपमेंट किस तरह के चेंज को कहते हैं, किस तरह की चेंज की प्रक्रिया को हम डेवलपमेंट कहते हैं, जो सिक्वेंशियल हो, जो एक सीक्वेंस में चले, जो एक क्रम में चले, जो एक ऑर्डर में चले, जिसका एक पैटर्न हो, जिसका एक प्रोग्रेसिव रूप हो, आगे बढ़ता हुआ, पीछे नहीं, जो आपको पीछे लेके जाए वो नहीं, जो आपको आगे बढ़ाए। ठीक, हालांकि डिक्लाइन भी इसमें शामिल है, जिसको इन्वोल्यूशन कहते हैं हम। भाई बुढ़ापे में तो हमारी मेमोरी और हर चीज, डिसीजन मेकिंग, सारी चीजें कमजोर होती जाती है ना, तो वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसलिए कहा भी जाता है डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, निरंतर भी है और अनिरंतर भी है। ठीक, समझते हैं कुछ चीजें, चलिए शुरुआत करते हैं। तो रैंडम चेंजेस को डेवलपमेंट नहीं कहते। किस तरह के चेंजेस को, जो प्रोग्रेसिव हो, जो बेहतरी के लिए हो। ठीक है, अब आपने ये तीन शब्द देखे होंगे पेपर में भी, कई लोग इन तीनों को क्या कर लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं कि विकास भी एक ही है, मैच्योरेशन यानी परिपक्वता भी एक ही है, लर्निंग यानी अधिगम भी एक ही चीज है, जो कि ऐसा नहीं है, है ना। डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और लर्निंग आपस में रिलेटेड हैं, बट इनमें थोड़ा अंतर होता है जो कि हम समझेंगे। ठीक, कि डेवलपमेंट यानी विकास, ये तीन शब्द हमने देखे हैं, विकास, मैच्योरेशन जिसको हम परिपक्वता कहते हैं, परिपक्वता, और फिर है आपकी लर्निंग यानी अधिगम। ये सेशन कब तक चलेगा ये मेरी एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, है ना। वैसे मैं कोशिश करूंगी आज ही कंप्लीट करा दूं इसको एक ही सेशन में, बस आप एनर्जी बना के रखिएगा, मैं यहां से एनर्जी बना के रखूंगी। रात बहुत हो गई, ऑलरेडी लेट हो गया, बट हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, शांति से पढ़ेंगे। पेपर से दो दिन पहले वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, तो आप जब भी पेपर देने जाएं जीवन में सीडीपी का ये सेशन जरूर देख के जाएं। ठीक, चलिए एक बार आ जाओ फटाफट। विकास, डेवलपमेंट, परिपक्वता और अधिगम, ये तीन शब्दों में अंतर क्या है, थोड़ा सा सोचिए खुद से, है ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आप खुद नहीं सोच पाएंगे ना, और जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि विकास और परिपक्वता और अधिगम में अंतर कितना है और क्या अंतर है। ठीक है जी, बात देखिए फटाफट। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट वो चेंजेस हैं जो एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक, यानी एक ऑर्डर, एक क्रम में होते हैं, जिनका एक सेट पैटर्न होता है। ठीक, एक पैटर्न होता है, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, बेहतरी के लिए होने वाले चेंजेस हैं, पीछे की तरफ खींचने वाले नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं होता डेवलपमेंट, सिक्वेंशियल होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है, ये हम कह सकते हैं। बात परिपक्वता की आती है, और डेवलपमेंट में कैसे चेंजेस शामिल है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, यानी गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी। मतलब जो आप हाइट में, वेट में, साइज में, शेप में चेंज हो रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, जिसको ग्रोथ कहते हैं। और जो आप बुद्धि में, जो आप अपनी समझ में, जो अपने मॉरल्स में, जो अपनी वैल्यूज में आप डेवलप कर रहे हैं, वो भी विकास का ही हिस्सा है। तो डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह के परिवर्तन शामिल हैं। बात रही अगर मैच्योरेशन की, तो मैच्योरेशन वो प्रक्रिया है जो हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड है, हाईली रिलेटेड विद आर बायोलॉजी, यानी हमारे जीन्स से रिलेटेड है। ठीक, जैविकता से रिलेटेड है, हाईली रिलेटेड विद हेरिडिटी, अगर मैं एक शब्द में कहूं बायोलॉजी या फिर हेरिडिटी, अनुवांशिकता जिसको हम कहते हैं। ठीक, जो हमारी हेरिडिटी, जो हमें जेनेटिक मटीरियल मिला है अपने पेरेंट्स से, ठीक, उन जेनेटिक्स से रिलेटेड है मैच्योरेशन। कैसे, बच्चा बड़ा होता है, अगर उसके पैरों में जान नहीं है, वो खड़ा हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो पैर तो बचपन से थे, लेकिन जान बाद में आई है, ये मैच्योरेशन के साथ आई, ये परिपक्वता के साथ आई। बच्चे की आंखें तो बचपन से थी, जन्म से थी, बट वो पढ़ सके, इतना विजन, इतनी क्लैरिटी, ये मैच्योरेशन से आई है। ये किससे आई है, परिपक्वता से आई है। इसको आप ट्रेनिंग से नहीं ला सकते, आप सिखा सकते हैं ट्रेनिंग देकर के किसी को, आप मैच्योरेशन नहीं करा सकते। ठीक है, तो मैच्योरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनफोल्ड होती है टाइम के साथ, अपने आप आपके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। थोड़ा सा और आगे जाएं, तो जब बच्चा क्या है, जंप करने लगेगा, क्रिकेट खेलने लगेगा, ये सारी क्षमताएं कहां से आ रही हैं, अब उसके अंदर वो परिपक्वता आई है बॉडी में। ये वो बॉडीली चेंजेस हैं जो टाइम के साथ अनफोल्ड होते हैं। जैसे अगर हम प्यूबर्टी की प्रोसेस की बात करें, तो हार्मोनल चेंज होता है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, वो कहां से आएगा, वो किसी ने ट्रेनिंग थोड़ी दी है कि इस टाइम पे दाढ़ी मूंछ आएंगी, वो मैच्योरेशन की प्रक्रिया है, वो मैच्योरेशन की प्रोसेस है जो टाइम के साथ अनफोल्ड हो रही है। हमारे जेनेटिक मटेरियल में, हमारे जेनेटिक मेकअप में वो चीजें स्टोर्ड हैं पहले से। जैसे एक सॉफ्टवेयर में कोडिंग कर देते हैं ना लोग, वैसे आपके अंदर कोडेड है कि भाई इस एज में ये चीजें निकल के आएंगी,
और उसके हिसाब से फिर आप सीख पाते हैं। तो जो ये मैचुरेशन है, ये लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर देती है कि भाई अब ये प्लेटफॉर्म हमने बना दिया, अब तुम खेलो, ठीक है, ये पिच हमने बना दी, अब तुम खूब क्रिकेट बजाओ। ये मैचुरेशन से आएगा, ये मैचुरेशन से आएगा कि आपके अंदर अगर मैच्योरिटी आ गई है तभी आपकी आंखें पढ़ने के लायक बनेंगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक दिन के बच्चे को और कहें कि पढ़ के दिखाओ, देखो कितना समझ में आ रहा है ये, ठीक, या फिर साइकिल चला लो, ठीक, वो एज के साथ आएगा, क्लियर है बात, या उसमें इतने हार्मोनल चेंज आ जाए कि आवाज में चेंज आ जाए, वो टाइम के साथ आएगा। तो टाइम के साथ जिन पे ट्रेनिंग का फर्क नहीं पड़ता, मैचुरेशन पे ट्रेनिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, या हम कह सकते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बात अगर हम लर्निंग की करते हैं तो लर्निंग एफर्ट से आती है। अभी मैं और आप यहां जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगी आज, जितने भी घंटे हो, एक घंटा हो, दो घंटा हो, तीन घंटा हो, ठीक। इसमें ये जो लर्निंग है, जो आप सीख रहे हैं और जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, ये एफर्ट से आया है ना, ये प्रयास से सीखा गया है, ये ट्रेनिंग का इस पर प्रभाव होगा, इसके एनवायरमेंट का इस पर प्रभाव होगा। तो ये एफर्ट से आती है, एफर्ट से आने वाले बिहेवियरल चेंज को, रिलेटिव चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग, यानी व्यवहार में लगभग स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं, ठीक। तो ये एफर्ट से जो चेंज आएगा हमारे बिहेवियर में, या ट्रेनिंग से जो चेंज आएगा हमारे बिहेवियर में, जो रिलेटिवली परमानेंट होगा, ऐसा नहीं बुखार आया तो भूल गए सब कुछ, ठीक, व्यवहार में लगभग स्थिर परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंज अधिगम कहलाएगा। इस पे एनवायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव है, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है लर्निंग पर, और मैचुरेशन से फायदा मिलता है चीजें सीखने में। अगर आप मैच्योर हो गए बायोलॉजिकली तो आप जल्दी सीख जाएंगे, ठीक। तो वो मैच्योरिटी सेट कर देती है स्टेज, किसके लिए, लर्निंग के लिए, एक प्लेटफॉर्म बना देती है, आसानी होती है सीखने में। तो एक तरह से मैच्योरिटी, डेवलपमेंट और लर्निंग का आपस में रिलेशन क्या हुआ, इन तीनों का एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशन हम कहेंगे कि जो विकास है, मैचुरेशन और लर्निंग आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और डेवलपमेंट में जब सब कुछ शामिल ही है ना, चाहे वो मैच्योरिटी हो, चाहे वो फिर आपका, इवन हम ये कह सकते हैं कि प्रभावित करने वाला कारक है मैच्योरिटी, डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा अगर बच्चे में मैच्योरिटी टाइम के साथ आ रही है, ठीक। एक और चीज हमने पढ़ी ग्रोथ, वो भी इसी का हिस्सा है, ठीक। तो ये तीन चीजें जिनके बीच में हमें रिलेशन समझना जरूरी है, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, बट डेवलपमेंट ओवरऑल एक प्रक्रिया है जिसमें इतने सारे प्रोग्रेसिव, सिक्वेंशियल, ऑर्डरली पैटर्न वाले चेंजेस शामिल हैं। मैचुरेशन एक बायोलॉजिकल या हेरिडेटरी मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारी हेरिडिटी से एज के साथ आएगा, ठीक। बॉडी से संबंधित ज्यादा बायोलॉजिकल परिवर्तन इसमें ज्यादा होते हैं, लर्निंग एक ऐसी चीज है जो हम एफर्ट से सीखते हैं और रिलेटिवली परमानेंट चेंज हमारे व्यवहार में हो जाता है। ये सारी कहानी आपके दिमाग में क्लियर होगी मैं ऐसा मान के चल रही हूं। अभी डेवलपमेंट को और डिटेल में समझेंगे, देखिएगा एक बार, बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ समझेंगे, और एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपका समय यहां खराब नहीं करूंगी बिल्कुल भी, काम की बातें हम कर रहे होंगे, अगर मैं कोई स्टोरी भी सुना रही हूं तो वो आपके काम की है ना, तभी हम उस पर बात करेंगे। देखिए डेवलपमेंट की अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो ये इतनी सारी क्या, इससे भी डबल विशेषताएं हो सकती हैं, बट मेन मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो वूम टू टूम्ब जाएगी, कॉन्सेप्शन टू डेथ जाएगी। वूम टू टूम्ब का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, जब से आप मां के गर्भ में है और जब तक आप कब्र में जाएंगे, अब कई लोग यहां अपने रिलीजन पे आ जाएंगे कि हम तो कब्र में नहीं जाएंगे, हम तो कुछ और होगा हमारा, तो है ना, तो जब तक भी आप खत्म नहीं हो जाते, जब तक आपका जीवन खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप डेवलपमेंट आपका चलता रहता है, जो विकास की प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस है, लाइफ लॉन्ग है, जीवन पर्यंत है, कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है, कभी भी रुकती नहीं है। इसमें डिक्लाइंस आते हैं, उन डिक्लाइंस को इन्वोल्यूशन कहते हैं, अभी समझेंगे उस चीज को भी। डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वूम टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक, या दूसरे शब्दों में कहें कॉन्सेप्शन टू डेथ, यानी गर्भाधान से मृत्यु तक चलती है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोग इसको कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिसकॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं, तो अगर पेपर में आ जाए कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिसकॉन्टिन्यूस तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे, ठीक। वैसे ऐसा होना बहुत ना के बराबर संभव है, क्योंकि आपसे अब एंड टाइम पे मजाक नहीं करेगा सीटेट, ठीक है, तो लेकिन मुश्किल क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो बना सकता है, तो आप नकार नहीं पाएंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, दोनों हो सकती है। क्यों हो सकती है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते, जो एक टाइम के बाद होने बंद हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, ठीक, लेकिन
डिक्लाइन भी इसमें पॉसिबल है, गिरावट भी पॉसिबल है। भाई आप एज के साथ क्या होता है, कई लोग चीजें भूलने लगते हैं। आप अपने घर में देखते होंगे अपने मम्मी को दादी को, यार मेरे को पहले तो सब कुछ याद रहता था, तुम्हारी उम्र में तो हम पता नहीं क्या कर लेते थे, है ना, अभी तो थोड़ा सा स्लो हो गए, है ना, स्लो साबुन बन गए। तो ये क्या है, डिक्लाइन है मेमोरी में, जो आपकी स्मृति है, अटेंशन में, सीखने की क्षमता में, ये एज के साथ होता है। इसको इन्वोल्यूशन कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इवोल्यूशन मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्वोल्यूशन डिक्लाइन को इन्वोल्यूशन शब्द का हम करार देते हैं। इतनी बात हमें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द समस्या इस बात को समझने में नहीं हो रही होगी। डेवलपमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक परिवर्तन है, सिस्टम से होगा। पहले चाइल्डहुड आएगा या इन्फेंसी आएगी, उसके बाद बच्चा जो है पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है सुबह उठे अचानक से और देखा कि कल तो बच्चा बेड पे सोता था, दूध भी आप पिलाते थे, परसों वो खड़ा होकर आराम से घूमता फिर रहा है, ये तो नहीं होगा ना। सीक्वेंस है, एक सिस्टम है, एक ऑर्डर है, एक पैटर्न है। तो प्रोग्रेसिव आगे बढ़ते हुए प्रगतिशील परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ये रिवर्सिबल नहीं होता, एक वर्ड हमें ध्यान रखना है, इससे कई लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। डेवलपमेंट क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। अगर आप प्रिंसिपल की बात करेंगे, विकास के सिद्धांतों की बात करेंगे, तो विकास रिवर्सिबल नहीं है, इसमें बैक गियर नहीं लगता। आपने वो ऑटो देखे होंगे ना, ऑटो में बैक गियर नहीं होता एज फार एज आई नो, है ना, वो पीछे उसको धक्का मार के पीछे करते हैं। अगर आगे चलेगा और बाय चांस ऑटो को पीछे आना पड़े तो वो ऑटो धक्का मार के पीछे करेगा अपने ऑटो को खुद से, क्योंकि कोई रिवर्सिबल नहीं है, बैक गियर नहीं है, पीछे नहीं जाओगे, है ना। बट डिक्लाइन इज अ डिफरेंट थिंग, रिवर्सिबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। जो मैं डिक्लाइन कह रही हूं वो डिफरेंट है, या रिवर्सिबल की बात हो रही है तो रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, शयन हो सकता है इसमें, बट पीछे थोड़ी जा रहे हैं आप। क्लियर है जी बात। तो रिवर्सिबल नहीं होता, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, सिक्वेंशियल चेंजेस हैं। मॉडिफिएबल है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने लग गया है और इस पे आप ध्यान रखिएगा, ये मॉडिफिएबल है, इसमें परिवर्तन तो संभव है ना, क्योंकि डायनामिक प्रोसेस है तो चेंजेबल है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन संभव ही नहीं है, ठीक है, तो मॉडिफिएबल है। अगर बात आए डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है भाई, आप खुद को ठीक कर सकते हैं ना हमेशा, डेवलपमेंट का स्कोप आपके अंदर हमेशा है, तो मॉडिफिकेशन तो संभव है। जैसे लोग गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराते हैं, ठीक, दिमाग में भी कर लेनी चाहिए, हो सकती है, रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन तो इन दो शब्दों पे खेलना है, तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, स्पेशली सीडीपी में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, इन्वोल्यूशन को हमने समझा था अभी, ये जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, जो विकास की प्रक्रिया है ये जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगी। बोल रही हूं हिंदी में, बोल रही हूं, टेंशन मत लो। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगी, मतलब पहले बच्चा पूरी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है, बाद में उंगलियों से ये दो पैन उठा लोगे, शुरुआत में बच्चे को फेंकोगे पूरा हाथ ऐसे पकड़ के लेगा पूरे पैन को ऐसे, ठीक। तो ये चीज जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। जो डेवलपमेंट है वो सामान्य से, सरल से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर, जटिलता की तरफ जाएगा। अब तो आप पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आपके कॉमेंट्स भी देख रही हूँ, मैं यहाँ पे डिस्कशन भी चल रहा है, दिमाग में भी 70 चीजें चल रही होंगी, तो आप मल्टीपल चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ना, आप एक चीज को 70 एंगल से देखने लगते हैं। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, सिंपल होती हैं चीजें, बाद में लोग अपनी बॉडी से पता नहीं क्या क्या कलाएं खेलने लगते हैं। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। ये मल्टी डायरेक्शनल है, कई डायरेक्शंस में होता है। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ एक शब्द है, अगर हम उसकी बात करें तो वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ क्या है, एक वर्ड है ग्रोथ और दूसरी तरफ लिखा हुआ है डेवलपमेंट। समझिएगा, इन दोनों पे एक क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंट अकेला ऐसा चैप्टर है जिससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी चैप्टर्स में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले चैप्टर में लगेगा। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पूछेगा आपसे, आपसे स्टेजेस पूछेगा, आपसे टाइप्स पूछेगा डेवलपमेंट के, आपसे प्रिंसिपल्स पूछेगा डेवलपमेंट के, इतनी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये देखो कामिनी रॉ का अलग ही चल रहा है इनका, ये कह रहे हैं कॉपी पेस्ट करते हो, है 4 शब्द नहीं है पूरी पीपीटी में, कैसी कैसी बातें करते हो यार, अब किड्स भी बताएंगे कि क्या करते हैं, हद हो गए। देखो एक बार, अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, पढ़ लो यार शांति से, कुछ नहीं रखा है इन बातों में, पेपर का टाइम वेस्ट मत करो अपना, है ना, ये चमचागिरी मत किया करो, कुछ नहीं होता। देखो ग्रोथ की अगर हम बात करें, ये बच्चों वाली बातें मत करो, वृद्धि और विकास, देखो वृद्धि और विकास की अगर हम बात करें तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक परिवर्तन, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्ट्रक्चरल चेंजेस कहेंगे।
ठीक, मात्रात्मक परिवर्तन जैसे शेप, साइज, वेट, हाइट, जिनको मापा जा सकता है, जो मेजरेबल एस्पेक्ट्स हैं, वो ग्रोथ है। जबकि स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, जो हमारी संरचना से, जैसे आपकी हाइट, बॉडी वेट, ये सब क्या कर सकते हैं, आप माप सकते हैं, आपके स्ट्रक्चर से, आपकी फिजिक से संबंधित है, आपके शारीरिक विकास से संबंधित है। जो शारीरिक पक्ष है विकास का, वो वृद्धि कहलाती है। लेकिन विकास क्या है, ब्रॉड है, ये नैरो है, अपने आप में संकुचित अर्थों में हम ग्रोथ को देखते हैं। जबकि विकास क्या है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, या हम कहें ब्रॉड एस्पेक्ट में देखते हैं। इसमें क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी मात्रात्मक चेंजेस भी और गुणात्मक चेंजेस भी और क्वांटिटेटिव भी, यानी आपकी साइज, शेप, हाइट, इन सब में परिवर्तन भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, और आपकी समझ जिसको आप माप नहीं सकते, आपकी मैच्योरिटी जिसको आप माप नहीं सकते, वो भी विकास का ही हिस्सा है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, ये बोथ है। अगर सिर्फ एक ऑप्शन हो तो आप लगाएंगे क्वालिटेटिव, कई बार ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन आप आंसर करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये फंक्शनल चेंजेस हैं इसमें। फंक्शनल मतलब प्रकार्यात्मक परिवर्तन, फंक्शन में चेंज, जबकि वृद्धि क्या थी, सिर्फ स्ट्रक्चरल संरचना, आपके वो वाले चेंजेस जिनको मापा जा सकता है, जिनको मेजर किया जा सकता है। आपकी हाइट को मेजर किया जा सकता है, भाई इतने इंच है, इतने मीटर है, है ना। आपके वेट को मेजर किया जा सकता है किलोग्राम में, आपके शेप साइज को मेजर किया जा सकता है, कितने मोटे हुए, कितने पतले हुए, लेकिन आपकी समझ को मेजर नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपकी हाइट 6 फीट हो और दिमाग आपका घुटनों से भी नीचे हो, समझ पा रहे हो ना, कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। तो ये जो बात है, ये बेसिकली कैसी हुई कि वृद्धि वो पक्ष है विकास के ही, विकास का ही एक हिस्सा है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ग्रोथ, जिसको मापा जा सकता है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड, फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होंगे वो वृद्धि है, लेकिन विकास में फिजिकल तो है ही है, बाकी इमोशनल चेंजेस भी हैं, सोशल चेंजेस भी हैं, समाज में कितने अच्छे हैं आप, एडजस्टमेंट कितना अच्छा है आपका, 4 लोगों में होते हैं तो क्या करते हैं, ठीक, मॉरल वैल्यूज, सही और गलत का कुछ पता है कि नहीं, या कुछ भी कहीं भी बोल देंगे, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये आपका डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, के फिजिकल यानी शारीरिक, मेनली 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम 4 बोल देते हैं, जैसे शारीरिक जो आपका शरीर से संबंधित विकास है, संज्ञानात्मक दिमाग से रिलेटेड जिसमें भाषा भी आ जाती है, और सोशल यानी सामाजिक जिसमें मॉरल नैतिक विकास आता है, और इमोशनल तो है ही। तो ये 4 प्रकार हैं विकास के। तो विकास के कई प्रकार हैं, कई एस्पेक्ट हैं, ब्रॉड डोमेन है, जबकि वृद्धि सिर्फ संरचनात्मक या फिर फिजिकल एस्पेक्ट से संबंधित है। एक चीज मैं आपको बता देती हूं यहां पे कि ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ में जो भी चेंजेस हैं वो विकास का ही हिस्सा है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है, जबकि जो भी चीजें डेवलपमेंट में है वो सब ग्रोथ में नहीं आ सकती। समझ पा रहे हो ना भाई, ये एक बड़े बर्तन के जैसा हो गया, जिसको आप, एक बड़ा बर्तन थोड़ी ही छोटे बर्तन में आएगा, छोटे को तो आप डाल सकते हो बड़े के अंदर, ठीक। तो ये छोटा सा बर्तन है ग्रोथ, जो सिर्फ शारीरिक एस्पेक्ट संबंधित है, वही डेवलपमेंट या विकास की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा डोमेन है जिसमें वृद्धि के सारे पक्ष शामिल हो जाते हैं, ठीक। तो जो चीज ग्रोथ है, यानी आपकी हाइट का बढ़ना ग्रोथ है, तो वो डेवलपमेंट का भी हिस्सा है, लेकिन आपकी समझ का विकास ग्रोथ का हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है। बात इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में हो रही है तो बताओ। खुशी खुशी लाइक शेयर करना, और थोड़ा लेट ही सोना है आज, पूरा 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 समझेंगे चीजें साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़े, देखो, नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट जो है, हमेशा बिल्कुल एक ही स्पीड से नहीं चलता, इसमें रेट में डिफर करता है, डिफर्स इन रेट। विकास की जो दर है वो अलग हो सकती है, कैसे, अगर हम बात करें तो एक बच्चा है जो 2 साल में 3 सेंटेंस बोल लेता है, मतलब 3 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बना लेता है, खूब बातें करता है, ठीक। एक बच्चा है जो 3 साल में 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस भी नहीं बना पाता। एक बच्चा है जो 1 साल में चलने फिरने लग गया था, दौड़ने लग गया था, दौड़ने तो खैर ज्यादा हो जाएगा, बट चलने फिरने लग गया था, खड़ा होने लग गया था। एक बच्चा है जिसको 3 साल हो गए, वो अभी भी बस धीरे धीरे ही खड़ा होकर थोड़ा बहुत चल पाता है। तो रेट अलग है, किसी में तेजी से होगा, किसी में धीमे होगा, बट स्टेज सेम रहेगी। दुनिया भर के बच्चे, अगर चाइल्डहुड की स्टेज जो है वो 3 से 12 साल है, तो वो सारे, अमेरिका का बच्चा भी, नाइजीरिया का भी, सब उसी में आएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब सेम पेस पे डेवलप हो, तो पेस अलग हो सकता है, रेट अलग हो सकता है, स्टेज सेम होती है, पैटर्न सेम होता है, रेट अलग होता है। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक। चेंजेस आर रिलेटिवली स्टेबल, ये बात है कि किसी भी बुखार से, बीमारी से आए हुए चेंजेस को हम ये नहीं कहेंगे कि आज इसका डेवलपमेंट हो गया, ये जो परिवर्तन आए हैं वो स्टेबल हैं, वो लगभग परमानेंट से ही होते हैं। हालांकि इस बात का, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये लर्निंग की डेफिनेशन है,
ठीक, दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि ये भी रिलेटिवली स्टेबल होते हैं. लर्निंग से ही जुड़ी हुई बातें हैं सब आपस में. अगर डेवलपमेंट ठीक से होगा तो लर्निंग भी अच्छे से होगी, लर्निंग अच्छे से होगी तो बच्चा डेवलप भी करेगा. ठीक है जी. डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल, दिस इज इंपॉर्टेंट. कॉन्टेक्चुअल कैसे भाई? संदर्भ से संबंधित है. हो सकता है आपने वॉर देखी हो बचपन में, वॉर मूवी की बात नहीं चल रही है, ठीक है, वॉर देखी हो, कोई युद्ध छिड़ा हो, आपके बचपन को वो चीज प्रभावित की होगी, आपके डेवलपमेंट को. आपके किसी पेरेंट की डेथ हो गई, आपने अपने माँ बाप को खो दिया, उन बच्चों में मैच्योरिटी आपको ज्यादा दिखेगी जनरली. या अगर हम बात कर रहे हैं, आपने आपका जो सोशियो हिस्टोरिक आस्पेक्ट है वो अलग है. आप ऐसी जगह से आते हैं जहां पे आपने समाज में बहुत कुछ होते हुए देखा है, तो क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डेवलपमेंट होता है. कॉन्टेक्स्ट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट पे, कि जिस संदर्भ में, जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में आप हैं, वो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा. या कोई भी घटना आपके जीवन में अगर ऐसी घटी है तो वो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा. सिंपल बात है, आपकी मैच्योरिटी को प्रभावित करेगा. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं. जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर एक बच्चा चार शब्द बोल लेता है तो जरूरी नहीं है दूसरा भी सेम एज का बच्चा चार ही बोलता हो सकता है छह बोलता हो या चार बोलता हो. ठीक है, अरे भाई नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं है, आपके बिल्कुल काम का नहीं है, इस पर डिस्कशन कल करेंगे. पढ़ने पर ध्यान लगा लो, अभी ये सारे डाउट मैं हटा दूंगी, पढ़ लो. ये देखिए डेवलपमेंट के टाइप्स की बात आती है. अब देखो डेवलपमेंट को डिटेल में करना जरूरी है. अगर हम बात करें ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की, तो विकास के जो ब्रॉड डोमेन्स हैं, व्यापक जो प्रकार है, मेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट अगर आपसे कोई पूछेगा, आप कहेंगे सिर्फ चार होते हैं, जिसमें से अगर उसमें से भी बिल्कुल और कम कर दें तो तीन होते हैं. कैसे याद करेंगे? पीसीएस एग्जाम सबने सुना है, PCS E लगा देना इसमें, क्योंकि ये सोशियो इमोशनल एक ही साथ होते हैं वैसे तो. ठीक, अगर हम बात करें PCS E, चार प्रकार हो गए. पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको शारीरिक विकास कहते हैं, शारीरिक विकास आपके शरीर से संबंधित. ठीक, आपकी हाइट, वेट, बॉडी, ये सब यहां आ जाएंगे. आपका दौड़ना, भागना, मोटर डेवलपमेंट जो है, गत्यात्मक विकास, वो यही आ जाएगा. ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दूसरा प्रकार है, PCS, P फॉर फिजिकल, ठीक, C फॉर कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास कह देते हैं हिंदी में, संज्ञानात्मक विकास. और अगर मैं बात करूं थर्ड S की, हमने बात की थी थर्ड टाइप, वैसे सोशियो इमोशनल एक साथ भी बोला जाता है, बट पेपर में चार टाइप दिखाता है आपको. ठीक है, बात हेल्थ का ध्यान रखना, एग्जाम आने वाला है. हाँ यार मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ, देखो अभी बिल्कुल साथ खड़ी हुई हूँ, एक महीने तक आपके साथ ही रहूंगी. देखिए उसके बाद भी रहती हूँ खैर मैं तो साल भर, बट अभी स्पेशली सामाजिक विकास. समाज में दोस्त भी तो बनाएगा, समाज में तो रहते हैं ना हम, एक सामाजिक प्राणी है. ठीक, एरिस्टोटल कह रहे हैं ऐसा. आगे बढ़ते हैं, फिर है इमोशनल, ई फॉर इमोशनल, जिसको हम सामवेगिक विकास कह रहे हैं, सामवेगिक विकास. टेंशन मतलब कल पूरे दिन 3 बजे से शाम तक मैं आपके साथ ही रहूंगी, आप पेपर कैसे देंगे किन चीजों की टेंशन नहीं लेनी. अलग अलग और भी कई सारे सेशन कल 3 बजे से होने वाले हैं मेरे आपके साथ. 3 बजे यार एक काम है बस, हाँ चार बजे मतलब कल कई सेशन होंगे बैक टू बैक, तो तैयार रहेगा. और किसी का सेशन कल नहीं होने वाला, मैं ही लूंगी आपके साथ सारे सेशन सब, है ना, क्योंकि बाकी टीचर्स के आपने बहुत सेशन देख लिए, बीच में करा देंगे. ठीक, देखो एक बार शारीरिक विकास की अगर हम बात करें, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कल डिस्कस कर लूंगी आपके साथ अलग अलग फॉर्म में. मोटर डेवलपमेंट इसी से संबंधित है, शारीरिक विकास से, आपके शरीर का विकास, आपके दौड़ने भागने फिरने की क्षमता. कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग से रिलेटेड, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, कई लोग क्या करते हैं इसको 6 प्रकार बता देंगे, 8 भी बता सकते हैं, बट मेनली 4 ही है, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है लैंग्वेज का विकास, भाषा विकास आपका संज्ञान से, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, आपके बौद्धिक विकास से ही जुड़ा हुआ है. जितनी भी चीजें दिमाग से संबंधित हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं, जैसे आपका सोचना यानी थिंकिंग, आपका परसेप्शन बनाना यानी आपके सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाकर के एक व्यू पॉइंट क्रिएट करे वो परसेप्शन कहलाता है. इसके अलावा आपका अटेंशन, ध्यान देना किसी चीज पे, याद रख पाना, मेमोरी, ये सब कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं. अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट यानी हम समाज में रहते हैं, यारी दोस्ती भी करेंगे, थोड़ी बहुत समझेंगे भी किस तरह से चीजें काम करती हैं. ठीक है, क्लियर है. फिर है इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे अंदर इमोशंस भी हैं और धीरे धीरे इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है. तो बच्चे का कई प्रकार से विकास होता है, जिसके ये चारों प्रकार हैं. अगर आपसे डोमेन्स पूछे, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पूछे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में. अब इन चारों को थोड़ा सा टच करते हैं. अगर हम बात करते हैं, आप कहेंगे मॉरल डेवलपमेंट कहाँ आएगा,
देखो अगर पूछे कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट कहाँ आएगा, जो संप्रत्यय बनते हैं दुनिया की समझ, हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं ना आप, तो कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट संज्ञानात्मक में, कॉग्निटिव में, दिमाग में ही बनेंगे ना कॉन्सेप्ट्स। ऐसा तो है नहीं हाथ में कॉन्सेप्ट लेके घूमते हो आप, ठीक। फिर क्या है, अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट पूछे कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे यही आएगा, भाषा विकास भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही, संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कहाँ होते हैं, तो आप कहेंगे जी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यही होती है, डिसीजन भी दिमाग से ही लेते हैं, बुद्धि का विकास भी इसी से संबंधित है, मेंटल डेवलपमेंट भी से भी यही संबंधित है, तो सारी कहानी हो गई। फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, मोटर डेवलपमेंट उसको भी समझेंगे, सोशल डेवलपमेंट आप जानते हैं, सामाजिक विकास जिससे संबंधित होता है, मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास। भाई हम समाज में रहते हैं तो इसलिए सही और गलत भी हमने कुछ सिद्धांत बना लिए, कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए, क्योंकि जब इतने सारे लोग होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा या सही गलत का रोना सबका अलग हो सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके लिए हमने कुछ सिद्धांत बना लिए जिनको हम मॉरल डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, नैतिक विकास से जोड़ते हैं। तो सामाजिक विकास से ही संबंधित है आपका मॉरल डेवलपमेंट, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में। इमोशनल डेवलपमेंट तो है ही, हमारे इमोशंस को मैनेज करना, उनके प्रति अवेयर रहना, ये सारी चीजें। अब ये चार फोटोज जो आपने शायद पहले भी देखी होंगी, ये चार प्रकार के विकास को दर्शाती हैं, चार प्रकार के विकास को दर्शाती है। ये है फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, कि आपका शरीर कैसे डेवलप करेगा, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका बॉडी टाइप, ये सब चीजें, आपका दौड़ना फिरना भागना जिसमें मोटर डेवलपमेंट संबंधित होता है, गत्यात्मक कौशल, अभी समझेंगे मोटर डेवलपमेंट क्या है। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपके दिमाग का विकास जिसमें सोचना समझना सीखना प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिर है सोशल डेवलपमेंट, आप चार बच्चों में कैसे खेलेंगे कूदेंगे रहेंगे। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट, कोई बहुत ज्यादा इमोशनल है या हम कहें इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक, कोई कम, जिन जोक्स पे आप कल हंसते थे हो सकता है आज आपको हंसी ना आती हो, है ना, कुछ ऐसे आप लोग देखते होंगे, जैसे मतलब मैं ही देखती हूँ कई बार कि यार मतलब इन जोक्स पे हंसती थी मैं, है ना, तो वो थोड़ा सा क्या है, टाइम के साथ इमोशनल डेवलपमेंट भी तो होता है ना आपका, सोशल डेवलपमेंट भी होता है कि आप किन लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, किन के साथ रहना नहीं पसंद करेंगे। हो सकता है आज से चार साल पहले जो चीजें आपको पसंद हो, जो लोग आपको पसंद हो, जो जोक्स आपको पसंद हो, जो आदतें आपको पसंद हो, वो चार साल बाद ना रहे, तो ये सब क्या है, ये सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, इवन कॉग्निटिव का भी पार्ट है, है ना। डेवलपमेंट हमारे कई आयामों में होता है, यानी आप देख रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं, इसीलिए हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं किसको, डेवलपमेंट को, या मल्टी डायरेक्शनल कहते हैं, अलग अलग दिशाओं में होता है और ये सब आपस में संबंधित हैं। जितने भी प्रकार हैं डेवलपमेंट के, भाई अगर आपके अंदर शारीरिक या हार्मोनल चेंज हो रहे हैं तो वो आपके इमोशंस को, आपके सोशल डेवलपमेंट को, आपके दिमाग को भी तो प्रभावित करेंगे ना। तो एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, अगर शरीर में चोट लगेगी तो मन भी परेशान होगा, ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट से फिजिकल जुड़ गया, दिमाग भी परेशान होगा, कॉग्निटिव जुड़ गया। अगर हम बात करें सोशल, आप सोसाइटी में हो सकता है बहुत ज्यादा रहना ना पसंद करें उस समय पे, कोई घटना अगर घट जाए, तो क्या वो आपस में सब संबंधित है, इंटर रिलेटेड है सारे प्रकार डेवलपमेंट के। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। अब स्टेजेस पे आते हैं जहां से क्वेश्चन आना ही है, भाई एक एक क्वेश्चन सबसे आता है, ये डेवलपमेंट में जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सब काम का है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो काम का ना हो। ईवीएस की क्लास मैं कराऊंगी ना कल, हम कुछ मॉक टेस्ट करने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, टेंशन मत लो, और भी क्लासेस होंगी, अभी तो पेपर चलेगा ना आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब तबीयत खराब हो गई इस बार तो क्या करें, वैसे पूरी भरपाई उसकी की गई है, बाकी सभी टीचर्स ने आपकी भरपूर मदद की है पुराने वीडियोस से, जो भी मैंने नए भी इवन जितने भी डिस्कस किए ही हैं। देखो एक बार अगर हम बात करते हैं किस चीज की, फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट में जरूरी हो जाता है एक बात को समझना, विच इज फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है या प्रकार है, गत्यात्मक कौशल। अब ये गत्यात्मक कौशल की अगर हम बात करें तो आपके दौड़ने भागने कूदने उछलने जंप करना रनिंग आपका, ये सब चीजें जिसमें भी थोड़ा सा शारीरिक गति लगती है ना, जिसमें भी स्पीड की जरूरत होती है, प्रसिजन की जरूरत होती है, वो सब मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। ये मोटर डेवलपमेंट दो प्रकार का है, यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन रहती है कई लोगों को। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं इसको,
और फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल। फाइन मोटर स्किल्स ग्रॉस क्या है? ग्रॉस वो जिसमें आपके बड़े बॉडी पार्ट्स यूज हो। स्थूल गतिक क्या है? जिसमें आपके बड़े शरीर के हिस्से यूज हो, जैसे आपकी पूरी ये आर्म जिसको हम बाजू कह रहे हैं या जो भी कहेंगे आप, ठीक, आपके पैर, टांगे, आपकी आर्म्स हुई, आपकी लेग्स हुई, ये जो बड़ी मांसपेशियां हैं आपकी या जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं बड़े, उनमें उनको जब यूज किया जाएगा तो वो ग्रॉस मोटर में आएंगे। जब इनके समन्वय की या एकोमोडेशन की बात आएगी या बैलेंस की बात आएगी, किसकी, छोटी मसल्स के कोऑर्डिनेशन की बात आएगी, जैसे आपके हाथ की मसल, आपकी आंखों की मसल, ये छोटी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन अगर बात आएगी तो फाइन मोटर स्किल्स। अगर पूछा जाए लिखना किससे संबंधित है, आप कहेंगे फाइन मोटर स्किल्स से, फाइन से संबंधित है, ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये भी याद रखेंगे। पहले बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल आता है, बाद में छोटी छोटी, जैसे आप कैच करना सीखते हैं फाइन मोटर स्किल्स में आएगा, आप लिखना सीखते हैं, आप ड्रॉ करना सीखते हैं, या आप कढ़ाई बुनाई लिखाई ये सब सीखते हैं, कहां पे आएगा, फाइन मोटर में। ग्रॉस में क्या आएगा? दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, ये सब इसमें आएगा जिसमें भी बड़ी मसल का यूज होता है, जैसे जंप करना है ना, जंपिंग हो सकता है, ये सब आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी? मेरा चैट कभी नहीं देखती, डॉली सिंह कह रही है डॉली पढ़ाई पे ध्यान लगा लो यार, नहीं तो इतनी एनर्जी मेरे अंदर भी नहीं है, मतलब आजकल तबीयत वैसे ही बहुत डाउन है, दवाई खा के चल रही है चीजें, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो अगर हम बात करते हैं स्टेजेस की, विकास के चरण की, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, प्ले एज कौन सी है, फलानी एज कौन सी है। देखो एक बार, ये चार स्टेजेस हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, दीज आर फोर स्टेजेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रयागराज से क्या हो गया भाई, प्रयागराज से देखो एक बार फटाफट से, समझेंगे अभी काफी चीजें, आप टू द पॉइंट धीरे धीरे मैं होती जाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर डिटेल में समझना जरूरी होता है। एक मिनट का ब्रेक लेंगे, मतलब ब्रेक तो क्या ही लेंगे, कुछ सेकंड्स का ब्रेक तो ओवरऑल ही हम 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, चाहे आज कितने भी देर ये चले सेशन, मेरी कोशिश यही रहेगी एक ही सेशन में खत्म कराऊं, क्योंकि अगर कल के लिए बहुत सारी चीजें हैं, परसों जिन जिन का एग्जाम है वो मेल करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा रहा पेपर, किस तरह के क्वेश्चन उनको। देखिए अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, इजी आएगा पेपर, टेंशन लेना मत, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा, जैसे आता रहा है वैसा ही आएगा, क्योंकि अगर आप सीटेट की वेबसाइट खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे पता लग जाएगा कि टाइप वही है क्वेश्चंस का, कोई ऐसा नहीं है, कोई अचानक से कुछ ऐसा नहीं हुआ है। देखो एक बार अगर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, विकास के चरणों की, तो चार स्टेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, है ना। वैसे तो होती है प्री नेटल भी, जिसको हम कहते हैं गर्भावस्था, जन्म से 9 महीने पहले की अवस्था, जहां एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक जीव जो सिर्फ एक सेल का था, वो पूरा एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है 9 महीने के अंदर, अपनी वूम के अंदर ही, माँ के गर्भ के अंदर ही, ठीक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं हमारे लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये चार स्टेजेस। हमें अडल्टहुड भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक 20 साल का व्यक्ति है, हमें क्या करना है, स्कूल में थोड़ी पढ़ते हैं 20 साल के बच्चे, अरे एक्सेप्शन आर देयर, बट एडोलेसेंस तक 16-17-18 साल तक बच्चा स्कूल से बाहर चला जाता है और हमारे लिए स्कूल की कहानी यही समाप्त हो जाएगी, ठीक। आपके क्वेश्चन कभी भी एडोलेसेंस से ऊपर के नहीं जाएंगे, एडोलेसेंस भी कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट पूछ भी लेता है कई बार, ठीक, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज का पेपर देने जा रहे हैं। पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए ये सेशन। अगर हम बात करें, कोई कह रहा है नॉर्मलाइजेशन लग गया है मैम, अरे टेंशन मत लो यार, मैं एक बार देख के बता दूंगी क्या सीन है, सीटेट में नॉर्मलाइजेशन का तो कोई लॉजिक भी नहीं बनता, बट ठीक है। देखो जो प्रोसेस है वो सबके लिए है, तो उस पर उतना डरा मत करो। देखो समझो, अगर हम बात करते हैं इन्फेंसी की, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, बर्थ टू 2 ईयर्स या 0 to 2 ईयर्स, क्योंकि ईयर्स, एक ईयर तब कहलाएगा जब 365 दिन हो चुके होंगे, तब तक जीरो ही रहेगा। अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, तो अर्ली चाइल्डहुड क्या है, 2 से 6 वर्ष, कई जगह पे 3 से 6 वर्ष मिलेगा। लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, क्योंकि चाइल्डहुड को 2 स्टेजेस में बांट दिया गया है। एडोलेसेंस है 12 से 18, अगर पूछे WHO के अकॉर्डिंग तो 10 से 19 साल, ठीक। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, समझते हैं एक बार चीजें। देखिए अगर बात करते हैं इन्फेंसी की, तो इन्फेंसी है शैशवावस्था, फटाफट से समझते जाइएगा, शैशवावस्था जन्म से 2 साल, बर्थ टू 2 ईयर्स ऑफ एज,
या 0 to 2 years. इसमें क्या होगा, बच्चे की बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, रैपिड होता है. बेसिकली हर प्रकार का विकास ही बच्चे में तेजी से ही होगा इस स्टेज में, स्पेशली शारीरिक विकास तेजी से होगा, है ना, फास्ट होगा, जो रेट है विकास की दर तेज ही होगी. ठीक, इसको टॉय एज कह देते हैं कई बार, क्योंकि 6 महीने 7 महीने का बच्चा होगा, आप उसके हाथ में खिलौना पकड़ा देंगे. ठीक, इस पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बट अगर आपको एक नंबर लेना है तो सीधी सी बात है, इस पे चर्चा कभी और करेंगे, पेपर से 2 दिन पहले इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि क्यों कहते हैं. बाकी एक बात यहाँ पे सिंपल है कि बच्चा खिलौनों से खेलने की अवस्था है उसकी. ठीक, 1 साल तक आते आते भी आप उसके हाथ में खिलौने पकड़ा ही देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और कुछ बहुत ज्यादा जानने के लिए है नहीं. सभी प्रकार का विकास तेजी से होता है, स्पेशली शारीरिक विकास. बच्चे की जो हाइट वाइट देखते हैं आप, इतना सा होता है, 1 साल में बड़ा हो जाता है काफी हद तक. अगर हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, जिसको हम 2 से 6 वर्ष कहते हैं, 2 to 6 years of age, अर्ली चाइल्डहुड, 2 to 6 years of age. अब अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला क्वेश्चन, प्ले एज. ठीक है, ये कितना भी आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट करे, आप खेलने की अवस्था इसी को कहेंगे, है ना. बच्चा 2 लोगों में मिलके 4 लोगों में मिलके धीरे धीरे खेलने लगता है. ठीक, हालांकि वो मिलके नहीं खेलेगा, बट बाकी लोगों के साथ खेलने की उसकी एज है. ठीक है, चाहे वो खिलौनों से खेले, चाहे वो किसी और बच्चे के साथ खेले, ग्रुप में नहीं तो 1-2 बच्चे के साथ तो खेल ही लेता है. ठीक, अगर हम बात करते हैं, इसको प्ले वे एज भी कह देते हैं, क्योंकि इसी एज में आप प्ले वे में छोड़ के आ रहे हैं. अगर हम बात कर रहे हैं एरिक्सन की, तो वो भी इसको प्ले एज के नाम से ही देख रहे हैं. ठीक, तो अर्ली चाइल्डहुड, प्ले एज भी कह रहे हैं इसको. दूसरा, लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे तेजी से होता है यहाँ, भाषा विकास बहुत तेजी से होगा. लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास बहुत तेजी से शूट करेगा एकदम. अगर हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल डेवलपमेंट की, वो भी बहुत तेजी से होगा, बट इन्फेंसी से कम तेजी से होगा. इन्फेंसी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो गर्भ के अंदर है, क्योंकि एक सेल से इतना बड़ा बन गया बच्चा. लेकिन नॉर्मल आफ्टर बर्थ कहेगा तो इन्फेंसी में सबसे तेजी से शारीरिक विकास होगा, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में. लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा सा कम तेजी से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हाइट वाइट थोड़ी कम बढ़ती है, बट उसमें मजबूती आती जाती है बच्चे में, और एडोलेसेंस में फिर से तेज हो जाता है. ठीक, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्ट होगा इस स्टेज में. इवन सभी तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी खूब तेज ही होता है, हर प्रकार का विकास यहाँ तेज पाया जाएगा 2 से 6 वर्ष में. ठीक, लैंग्वेज अगर पूछे, सोशलाइजेशन भी बहुत तेजी से होगा, फास्टेस्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, फास्टेस्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आप कहेंगे यही है. सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के लिए भी सबसे ज्यादा, क्योंकि भाषा का विकास हो रहा है तो बाकी चीजें भी बढ़ रही हैं तेजी से. ठीक, प्ले स्टेज तो है ही. थर्ड है लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष, ये स्कूल की अवस्था है. इसको क्या कहेंगे, स्कूल एज कहते हैं. सबसे पहले तो गैंग एज कहते हैं, समूह अवस्था, टोली अवस्था कह देते हैं कई लोग. ठीक है, क्योंकि बच्चा अब प्रॉपर स्कूल में चला गया, 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में आता है. ठीक, पहली क्लास में आएगा 6 साल का बच्चा, तो सिंपल बात है कि अब वो ग्रुप्स में रहने लगेगा, गैंग एज या ग्रुप एज. दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे, स्कूल एज तो है ही, क्योंकि 6 साल के बच्चे को आप पहली क्लास में एडमिशन दिला रहे हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको लेटेंसी स्टेज कहा है सिगमंड फ्रॉइड ने. ठीक, एरिक एरिक्सन ने इसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहा है. इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी. ठीक, ये सारी कहानियां हैं. इस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट होता है बट थोड़ा कम. सब ज्यादा तेज था इन्फेंसी में, फिर थोड़ा सा कम हुआ अर्ली चाइल्डहुड में, अब कम हुआ काफी, और फिर एकदम से बढ़ेगा किस में, एडोलेसेंस में, इसकी नेक्स्ट स्टेज में. आगे बढ़े, हाँ डर्टी कह दो आप, दाग अच्छे ही होते हैं ना, आप देखते हो एड, इसी उम्र का बच्चा है. एडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो 12 से 18 साल किशोरावस्था, यहां से भी कई क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं. ठीक, जैसे ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तन का काल, ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तन का काल. ठीक है, ट्रांजिशन का टाइम है ये. ब्रिज एज भी बोल देते हैं, या ब्रिज एज नहीं बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे बेसिकली इसको. एक पुल के जैसा माना जाएगा चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का, क्योंकि बच्चा इससे पहले चाइल्डहुड की एज में था, इसके बाद वो अडल्टहुड में चला जाएगा, यानी वयस्क हो जाएगा, लेकिन बीच का जो ब्रिज है, इस ब्रिज को एडोलेसेंस कह रहे हैं. ठीक, ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे से
भाई 12 साल तक था तो बच्चा था, अब बच्चे से वो एक अडल्ट में बन के निकलेगा इस स्टेज के बाद, तो बच्चे से बड़े का ट्रांजिशन है, ठीक, एडोलेसेंस। ये एज है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की, तनाव एवं तूफान की अवस्था है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की। हीरो वर्शिप की एज है, वो कहेगा बिल्कुल जो मैंने एक्टर या एक्ट्रेस या कुछ भी देख लिया ना कि वो तो मेरा हीरो है, मतलब उसके जैसे बाल कटाने हैं, उसके जैसा रहना है, उस वो जो कहे सब सही। आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसी स्टेज में आते हैं, जो कि एरिक एरिक्सन कहते हैं, पहचान का संकट, मैं बड़ा हूं कि बच्चा हूं, मुझे जीवन में करना क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या होगी, लोग मुझे पहचानेंगे कैसे, ये सारा जो पहचान का संकट है वो एडोलेसेंस का ही हिस्सा है। तनाव और तूफान क्यों कहा है, क्योंकि इतने सारे हार्मोनल फिजिकल मतलब हर तरह के चेंजेस सबसे ज्यादा यहां फूट रहे होते हैं, बिल्कुल चेंजेस, वो एकदम आक्रामक विरोध की भी अवस्था हो जाती है कई बार, वो एकदम रिबेलियस वाली जो बात है वो इस स्टेज में ही आती है, ठीक। एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म जैसी भी चीज डिस्कस की जाती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे खुद पे ही ध्यान रखते हैं, उनको लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं, जैसे मैं बाल बनाऊं वो हर टाइम खुद को ही देखेगा शीशे में, वो एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म कहा जाता है, ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है। लीडरशिप भी यहां से काफी डेवलप होती है, पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, सबसे ज्यादा प्रभाव अगर रहेगा तो यहां रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको वैसी ही बाइक लेनी है जैसी उसके दोस्त ने ली है, ठीक है, दोस्तों में इज्जत खराब हो जाएगी अगर आप साइकिल से चले गए, तो बाइक से तो कम से कम जाना है, क्योंकि मेरे दोस्त के पापा जो हैं सारे वो बाइक से ही आते हैं, तो ये किशोरावस्था है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में। तूफान की, तनाव एवं तूफान, स्टैनली हॉल ने कही है ये बात, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैनली हॉल एक व्यक्ति है जिनकी बुक का नाम भी है एडोलेसेंस, स्टैनली हॉल, क्लियर है ये बात, आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, ब्रिज पीरियड या ब्रिज गैप, ट्रांजिशनल पीरियड, तनाव एवं तूफान, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज, ये सारी चीजें। अब बात आती है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की, आनुवंशिकता एवं वातावरण की, आनुवंशिकता एवं वातावरण, एक हाँ इमेजिनरी ऑडियंस भी रहती है बिल्कुल दिमाग में, उसको लगता है हर कोई देख रहा है, इमेजिन कर रहा है वो ऑडियंस को, अनुवांशिकता एवं वातावरण, इसको नेचर और नर्चर की डिबेट भी कहा जाता है, अगर हम समाज के पक्ष में देखें तो नेचर मतलब प्रकृति एवं पोषण विवाद कहा जाता है इसको, प्रकृति एवं पोषण विवाद, नेचर एंड नर्चर, नर्चर मतलब एनवायरमेंट, जैसे आप पौधे को नर्चर कर रहे हैं तो एनवायरमेंट में ही कर रहे हैं ना पोषण। तो कई लोग कहते हैं डेवलपमेंट जो है उसका रीजन या वो होता किसकी वजह से है, या प्रोडक्ट है डेवलपमेंट किसका, हेरिडिटी का, यानी कुछ चेंजेस जो आपके अंदर हो रहे हैं वो हेरिडिटी उन पे ज्यादा हावी है, कुछ चेंजेस जो आपके अंदर हो रहे हैं वो एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित हैं, जैसे आप एजुकेशन जो ले रहे हैं उससे आने वाले चेंजेस आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड होंगे, आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, आपकी हाइट, ये सब आपकी हेरिडिटी ज्यादा डिसाइड करती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है या सिर्फ एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ आस्पेक्ट में हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, कुछ आस्पेक्ट में एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमें दोनों की ही इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखना है। तो डेवलपमेंट यानी विकास बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास गुणनफल है किसका, आनुवांशिकता एवं वातावरण का, नेचर और नर्चर का, ठीक है। अगर हम बात करें, ये बात कही किसने, वुडवर्थ, उन्होंने ये इक्वेशन नहीं दी, ये नहीं लिखा उन्होंने कि ऐसे ऐसे होगा, ये तो हमने खुद बना लिया, ठीक, उन्होंने सिंपल बात कही है कि विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता एवं वातावरण बराबर की भूमिका निभाते हैं, या उत्पाद है विकास किसका, विकास सॉरी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, ठीक है। अगर हेरिडिटी की बात की जाए तो यहां पे ये एडिशन नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये आपका गुणा है, ना तो भाग है यानी ना तो डिविजन है, ना ये जोड़ है, ना एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है यानी घटाना भी नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते 50% हेरिडिटी है और 50% एनवायरनमेंट है, ऐसा नहीं है, कुछ आस्पेक्ट में हेरिडिटी ज्यादा होगी, कुछ आस्पेक्ट में एनवायरनमेंट, दोनों मिलकर 100% बना देंगे, इतनी बात पक्की है, ठीक। तो ये बराबर की महत्ता रखते हैं, हमारा विकास, हमारे अंदर जो भी है हम आज, वो या तो अपनी हेरिडिटी या अपने एनवायरनमेंट या इन दोनों के प्रोडक्ट की वजह से है, इन दोनों के गुणनफल, इन दोनों की अन्योन्य क्रिया की वजह से है, हमारे अंदर जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कुछ भी अगर हमारे अंदर है, अगर हम डेवलप भी हुए हैं तो या तो हम अपनी हेरिडिटी की वजह से हैं या अपने एनवायरनमेंट की वजह से हैं, बाकी दूसरा रीजन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, इन दोनों में ही आते हैं सारे रीजन, ठीक। तो ये ध्यान रखना है हमें, जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको नेचर कहा गया है, हेरिडिटी कहा गया है, जेनेटिक एस्पेक्ट को, एनवायरमेंट में आपका चाहे वो सोशल एनवायरमेंट हो, फिजिकल एनवायरमेंट हो, मौसम हो, चाहे वो समाज हो, वो सब एनवायरमेंट का हिस्सा है, स्कूल या एजुकेशन
आपकी एनवायरमेंट से ज्यादा संबंधित है। हेरिडिटी ऑब्वियसली प्रभावित करेगी। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जहां से एक क्वेश्चन 100% आता है आपका। अगर हम बात करें विकास के सिद्धांतों की, तो ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट समझेंगे, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, यानी विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलेगी, कभी भी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है एक एज के बाद जाकर के बंद हो जाएगी, ग्रोथ एक एज के बाद बंद हो जाती है, है ना। ग्रोथ क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी एक सर्टेन एस्पेक्ट के साथ, जब आपने मैच्योरिटी गेन कर ली, परिपक्वता आ गई, ग्रोथ छुट्टी टाटा बाय बाय फिनिश, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फिनिश हो जाती है, बट उसका रोल महत्वपूर्ण नहीं रहता। जबकि डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सारे चेंजेस हैं, वो हमेशा चलता रहेगा। तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड डोमेन है जो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग चलेगा। क्या है ये, लाइफ लॉन्ग है, ठीक, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहे हो भाई, आपकी प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट देख रहा हूँ, हर सब्जेक्ट की इतना बहुत है मैम, बहुत ज्यादा है निखिल, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। टॉयज बता तो दिया भाई, इन्फेंसी, उस पर कोई कुछ भी कहता रहे, आप अगर ज्यादा आपको वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, सबूत, तो एक काम कीजिए, रीट का पेपर निकाल लीजिए, प्लेज देखिए, उसमें 3 से 6 मिल जाएगी आपको। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, एक मिनट रुको, बीमार भी तो हूँ आजकल मैं, रुको रुको। बैच वालों को तो कराई ही है मैंने, 3 से 6 ही है। देखिए अगर प्लेज 3 से 6। नेक्स्ट पे बात करते हैं, चलिए अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट। कल के क्वेश्चंस में कई लोगों को डाउट था, सारे क्वेश्चन सही हैं कल के, मैंने आपको पीडीएफ भी आंसर के साथ मार्क करके दिए, मैं एक बार समझा भी दूंगी, कल डिस्कस कर लूंगी। वो कई लोगों को लग रहा है 6 से 8 वर्ष का होता तो ये होता, ऐसा नहीं है, उस पर डिस्कशन करेंगे बाद में। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में होगा, एक ऑर्डर में होगा, ठीक है, एक ऑर्डर में होगा, एक पैटर्न स्टेजेस में होगा, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे वो तंजानिया का हो, कजाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, कहीं का भी बच्चा हो, उसकी जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की वो सेम रहती हैं। अगर चाइल्डहुड में आपके यहाँ का बच्चा 2 से 12 वर्ष के, 3 से 12 वर्ष के समय में आएगा, तो वहां भी वैसे ही होगा, सीक्वेंस सबका सेम है, पहले चाइल्डहुड आएगा, बाद में एडोलेसेंस, ऐसा नहीं है पहले एडोलेसेंस आ गया बाद में चाइल्डहुड आएगा या बाद में इन्फेंसी आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, अनुमान लगा सकते हैं हम, अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो टीचर्स हैं वो बच्चे के हाव भाव या और बहुत सारी चीजों को लेकर के, टीचर्स और पेरेंट्स विकास का अनुमान लगा सकते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा या किस तरफ उसका रुझान है, है ना, पहले से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मतलब क्वेश्चन की आदत हो रही है आजकल। ये देखो फोर्थ प्रिंसिपल है आपका, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, विकास क्या है, आनुवंशिकता एवं वातावरण का उत्पाद है, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने बताया पहले बच्चा पूरी बॉडी का यूज करता है, अगर रोएगा भी तो पूरे शरीर से रोएगा करके, एक टाइम के बाद आपको आंसू पोंछना सिर्फ स्पेसिफिक हो गया, आप पूरी बॉडी का यूज करते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए, ग्रास्प करने के लिए, एक टाइम के बाद आप सिर्फ क्या करेंगे, स्पेसिफिक बोले तो सिर्फ आपको ये 2 उंगलियों का यूज करना है, पूरे हाथ का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो जनरल टू स्पेसिफिक गए हैं आप। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन जाएगा भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन आती है, एक सेफेलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, है ना। एनर्जी मुझे भी थोड़ी सी कमी लग रही है, 12 बजे तक चलाते हैं सेशन, फिर छुट्टी करेंगे, आधा कल कर लेंगे बेशक। देखो डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, एक तो मैं हेड माइक यूज नहीं कर पा रही हूँ, आपको इसमें लिखने की आवाज आती होगी, बट मैनेज कर लेना, हेड माइक से सर में हो जाता है दर्द। देखिए डायरेक्शनल में 2 डायरेक्शन है, एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल, सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल, और फिर आती है प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल बोले तो सिरोध पदोन्मुखी, और
और अगर हम बात करें प्रॉक्सिमो डिस्टल की, तो ये इसको बोलते हैं, बताना यार हिंदी में, ये हमेशा भूलती हूँ मैं जिंदगी भर से, मतलब मेरी ये फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो चुकी है कि सेफेलोकॉर्डल आएगा तो, सॉरी ये प्रॉक्सिमो डिस्टल आएगा तो मुझे भूलना ही भूलना है। बताओ एक बार लिख के, सेंटर टू पेरिफेरी तो होता है भाई, हिंदी में, हिंदी पूछ रहे हो, हिंदी मीनिंग तो मुझे भी पता है, ऐसे रट्टे थोड़ी लगा क्या। मस्तकोद्मुखी, एक और शब्द होता है इसके लिए थोड़ा आसान, मस्तकोद्मुखी तो यही होता है, सिरोद्मुखी, मस्तक से पैर की तरफ, सर से पैर की तरफ। ये देखो अंग्रेज, समीपस्थ दूरस्थ विकास, हाँ इसका एक और बहुत आसान शब्द है, समीपस्थ दूरस्थ विकास तो ठीक है, चलो समीपस्थ दूरस्थ ही लिख लेते हैं, समीपस्थ, समीपस्थ दूरस्थ विकास, ठीक है। अगर समीपस्थ दूरस्थ विकास की बात करेंगे, सेफेलोकॉर्डल जाता है हेड टू टो, सर से पैर की ओर, हेड टू टो यानी खोपड़ी से, सेफेल का मतलब ये है खोपड़ी, ठीक, आपके सर से विकास जो है वो पैर की तरफ जाएगा, हेड टू टो जाएगा, पैर के अंगूठे की तरफ, ठीक, सर से पैर, जो विकास की दिशा है, दो दिशाएं हैं, एक है सर से पैर, सिर लिख लीजिए, सिर से पैर, और दूसरा है सेंटर टू आउटवर्ड। अगर पूछे लॉन्गिट्यूडिनल कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत अगर पूछेगा तब भी क्या आएगा, सेफेलोकॉर्डल, क्योंकि ये हेड टू टो की बात हो रही है, ठीक है, हेड यहां से टो, ठीक, हेड टू टो की बात हो रही है, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, बाद में गर्दन, फिर ये नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला, फिर पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये एक दिशा है कि सर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है विकास, दिस इज सिरोद पदोन्मुखी हेड टू टो। अगर पूछे प्रॉक्सिमो डिस्टल, दूसरी दिशा है क्या, प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीपस्थ दूरस्थ विकास यानी नियर टू फार, पास से दूर की तरफ, पास किसके, सेंटर के, नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, सेंटर टू पेरिफेरी यानी केंद्र से सीमाओं की ओर, तो आप कहेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल। कैसे, बच्चे की पहले रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, हार्ट डेवलप होगा, बाकी जो कंट्रोल है उसका, पहले पूरी बाजुओं पर, फिर इन बाजुओं से भी हाथों पर, फिर उंगलियों पर, एक्सट्रीमिटीज तक, सेंटर से बाहर की ओर विकास जब आएगा तो वो आएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल में, नियर टू फार, आपके सेंटर से बाहर की ओर। क्लियर है ना, आगे बढ़ेंगे, तो याद रखना है सेफेल से, याद रखना है सर से पैर तक, प्रॉक्सी से याद रखना है दायरे में, प्रॉक्सी का मतलब है दायरा, सेंटर टू आउटवर्ड, नियर टू फार, लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत पूछे तो हेड टू टो वाला, सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ डेवलपमेंट की डायरेक्शन, ठीक। एक और चीज पूछ ली थी इस बार, आपको याद रखनी है कि सेंसरी से, पहले सेंसेस से समझ बनाएगा, फिर कॉन्क्रीट चीजों को समझने लगेगा, मूर्त चीजें जिनको वो टच और फील कर सकता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझने लगेगा जो अमूर्त है, ठीक, ये भी एक दिशा है, ठीक। सेंसरी टू कॉन्क्रीट मतलब सांवेगिक, सांवेगिक नहीं, सेंसरी को बोलेगा इंद्रिय गामक और समथिंग, कॉन्क्रीट मूर्त जिन चीजों को टच फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त जो आइडियाज में है। क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे समझेंगे कुछ चीजें। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया आ जाती है। अब डेवलपमेंट की सारी गाथा हमने गाली है, पांच नंबर का काम आपका हो गया है, अगर आपने इतना समझ लिया है तो, ठीक है, तो तीस में से पांच नंबर बुरे नहीं है, अभी तो एक आध घंटा ही हुआ होगा। हंड्रेड क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ टेलीग्राम पे डाल दीजिए, मैं कराई दूंगी ना वीडियो में, और डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्यों टेंशन लेते हो, इतनी किस बात की टेंशन है, अभी तो तबीयत मेरी सुधर रही है धीरे धीरे, हालांकि मुझे दोपहर की दवाई खानी थी, वो खाई नहीं अभी तक। एक घंटे में तीस नंबर भी कर सकते हैं वैसे हम, वो किसी और दिन करेंगे फास्ट रिवीजन में, अभी पहले आप पूरा रिवाइज कर लो इस साल का। देखो सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण क्या, हम रहते हैं, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल बीइंग, ऐसा कहा है अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने, ठीक। तो जब हम समाज में रहते हैं तो बच्चा, और लर्निंग भी सोशली होती है, लर्निंग क्या, एक सोशल एक्टिविटी है, लर्निंग इज अ, ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग का, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। बाकी जिनको ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझना हो, पेडागॉजी स्पेशल बैच आएगा शायद इस बार किसी टेट के बाद, साल में दो बार तीन बार ही आता है मुश्किल से,
वो रिलेट कर पा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोगों की दुआओं से तो सेहत हो रही है अच्छी। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, यानी अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब बच्चा ग्रुप में सीखता है तो वो ज्यादा बेहतर सीख पाएगा, ठीक। उसकी खुशी ज्यादा होगी, हैप्पीनेस आपकी ज्यादा होती है जब आप दो लोगों में जाते हैं, गप्पे मार के आते हैं, है ना, और फिर कहते हैं कि चल बहन हमें क्या करना है, कोई कुछ भी करे, है ना। एक घंटे बुराइयां पीटने के बाद जब आप कहते हैं हमें क्या करना है, कोई कुछ भी करे, तो दिस इज सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है। इससे आपकी खुशी अच्छी होती है, आपको थोड़ा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है ना, आप कोऑपरेट करना सीखते हैं। इससे होता क्या, सोशलाइजेशन से आप एक दूसरे को सहयोग भी करना सीखते हैं, कोऑपरेशन की भावना आती है, हैप्पीनेस की भावना आती है, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आता है, ठीक है। कोई कह रहा है मेडिसिन ऑन टाइम प्लीज, हाँ यार करेंगे करेंगे, एक्चुअली मेरा दिन ही आधी दोपहर से शुरू होता है ना, ठीक। तो इतनी सी बात है। तो समाजीकरण वो प्रक्रिया जब चार बच्चे मिलकर के आपस में, स्कूल में बहुत तेजी से होता है समाजीकरण। जो मेन बहुत बड़ा फीचर है स्कूल जाने का वो ये है कि वहां समाजीकरण होता है। वहां चार बच्चे मिलते हैं, एक दूसरे की बातें सीखते हैं, एक दूसरे का कल्चर सीखते हैं, एक दूसरे की मदद लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक। तो सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है कि हम समाज में क्या है, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, तभी समाज चलता है ना, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ मूल्य हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, या फिर अगर मैं बात करूं सही और गलत की बातें होती हैं, ठीक। तो समाज कैसे काम करता है, समाज के क्या नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं, उनको सीखना, उनको एक्वायर करना, सोशल नॉर्म्स को, सोशल प्रोसेसेस को, उसमें एडजस्ट होना, ये सब क्या है, सोशलाइजेशन है, समाजीकरण की प्रक्रिया है, ठीक। जो भी समाज के प्रथाएं हैं या वैल्यूज मूल्य हैं, उन सबको अपनाना सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है पेपर में, एक है आपका प्राथमिक सोशलाइजेशन यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के मेनली दो ही टाइप काम के हैं आपके, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण, और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी मतलब गॉड। अब ये होता किसके द्वारा है समाजीकरण, हम समाज के नियम कायदे तौर तरीके कानून कहां से सीख रहे हैं, सबसे पहले तो परिवार से सीख रहे हैं, क्योंकि फैमिली क्या है आपका, फैमिली मिनिएचर वर्जन है, छोटा रूप है किस चीज का, जैसे गाड़ियों के आते हैं ना वो मिनिएचर वर्जन, इतनी बड़ी कार है, इतना सा एक छोटा खिलौना है, तो खिलौना तो नहीं है खैर परिवार, बट मान लीजिए समाज अगर इतना बड़ा है तो परिवार इसी का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक। तो सबसे पहले समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो वैसे तो शुरुआत जन्म से ही हो जाती है, और सबसे पहले परिवार का उसमें मुख्य रोल है, प्राथमिक जो सोशलाइजेशन है वो परिवार से, ठीक। सबसे पहले जो होगा वो फैमिली से, तो आप कहेंगे प्राथमिक में हमेशा फैमिली आएगी, यार रिश्तेदार को रखना है या नहीं रखना वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। परिवार में प्राथमिक सोशलाइजेशन होगा, किन किन लोगों के द्वारा होता है, तो टीचर्स, पीयर्स, फैमिली मेंबर्स, मास मीडिया, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी आप आसपास समाज देख रहे हैं उसके द्वारा सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। प्राथमिक कह रहे हैं हम इसको। अगर बात आ रही है किसकी, गॉड की, सेकेंडरी की, तो गॉड में क्या होगा, सब आ जाएंगे, स्पेशली स्कूल आ जाएगा, कई बार नेबरहुड को भी गॉड में ही डाल देगा, ठीक। आपको ऑप्शन पे देख लेना है, अगर फैमिली जिस ऑप्शन में है, मतलब प्राइमरी में आएगी, सेकेंडरी में फैमिली कभी नहीं आएगी, और स्कूल प्राइमरी में नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। द्वितीयक कारक जो है वो स्कूल है, नेबरहुड है, मास मीडिया है, ये सब है, फैमिली प्राइमरी है। अगर फैमिली के साथ नेबरहुड है और ऑप्शन में कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां पे प्राइमरी खाली फैमिली लिखी हो, तो आप उसी के साथ जाएंगे, ठीक। ठीक है बिलाल, आगे बढ़े। दूसरा एक टाइप की अगर हम बात करें, ये हुए प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट्स और सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट्स। अगर बात करते हैं किसकी, टाइप्स दो फॉर्म में और देखते हैं, एक होता है एक्टिव तरीके से, एक्टिव सोशलाइजेशन, और पैसिव सोशलाइजेशन या पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव एजेंट्स कौन से हैं, जहां बच्चा डायरेक्टली सक्रिय है, जैसे अपने पीयर्स यानी साथी समूह, पीयर्स होते हैं वो लोग जो आपकी सेम एज के हों, या फिर आपके साथ काम करते हों, या आपके साथ रहते हों, ठीक, तो पीयर्स कहलाएंगे। अगर जहां पे बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो एक्टिव सोशलाइजेशन का पार्ट हुआ, और जहां पे बच्चा इनडायरेक्टली, जैसे वो पब्लिक लाइब्रेरी गया हुआ है तो चुपचाप से बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन वहां के भी नियम कायदे तौर तरीके कानून सीख रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां के नियम कायदे कानून वो नहीं सीखेगा, वहां वो शांति से चुपचाप से खुद में इन्वॉल्व है, लेकिन सोशलाइजेशन वहां भी हो रहा है उसका, और सोशलाइजेशन हर समय होता ही रहता है। एडोलेसेंस में अपने पीयर ग्रुप का ज्यादा प्रभाव होगा, अगर आप बात करें चाइल्डहुड की तो स्कूल का और टीचर्स का ज्यादा रोल होगा, उससे पहले इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड तक
आपका जो सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका ज्यादा रोल होगा, तो ये टाइम टाइम पे चेंज होती रहते हैं। एक्टिव वो जिसमें बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, पैसिव वो जिसमें इनडायरेक्टली। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यही दो बातें काम की हैं। किस किस के द्वारा होता है, तो फैमिली के द्वारा, स्कूल के द्वारा, मास मीडिया के द्वारा, जो एड्स बच्चे देख रहे हैं, जो कार्टून वो देख रहे हैं, वो सब इसी में आ जाएगा। पियाजे पढ़ेंगे, जो कि आज पढ़ने के मूड में नहीं है हम। एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, जेंडर टॉपिक पढ़ लेते हैं। जेंडर, जेंडर इज इंपॉर्टेंट, और जेंडर पढ़ते हैं। जेंडर आता है कम से कम भी, अगर आप सारे सब्जेक्ट मिला के, तो 2-3 नंबर का, और एक तो मिनिमम। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे भी आएंगे, पहले जेंडर करेंगे, और जेंडर करके छुट्टी करेंगे, बाकी चीजें कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं टाइम से भी आ जाऊंगी कल, और थोड़ी एनर्जी भी बढ़ जाएगी कल तक, क्योंकि सारी एनर्जी आज निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी फिर। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं, तो 2 पार्ट्स में बना देंगे इसको। अगर हम बात करते हैं किसकी, जेंडर की, यानी लिंग। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट यानी सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। समाज ने बनाया है कि लड़कियां ये करेंगी और लड़के वो करेंगे। ठीक, ये समाज ने निर्मित किया है, समाज के द्वारा निर्मित है, सामाजिक संरचना है लिंग। दो वर्ड होते हैं, एक सेक्स, दूसरा जेंडर। ठीक, अगर बात आए जेंडर की, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाया गया है। ठीक, अगर बात सेक्स की आती है, तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी जैविक संरचना है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है यानी जैविक संरचना है। ठीक, क्या है, जैविक संरचना है। अगर बात जेंडर की आती है, तो ये सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है। कि काम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, ये सब जेंडर में आ जाएगा, जो समाज ने निर्मित किया है। अगर बात सेक्स की आती है, तो ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो हमारी जैविकता से संबंधित है, जो हमारी बायोलॉजी से संबंधित है, कि लड़कियां अलग तरह से डेवलप होती हैं, लड़के अलग तरह से, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं, उनकी आवाज अलग होगी, लड़कियां जो है वो बच्चों को जन्म दे सकती हैं, लड़के नहीं दे सकते हैं। ये हमारी सेक्सुअल एस्पेक्ट हो गया, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हो गया, ये जैविकता है, ये हमारी संरचना में ही परिवर्तन है या अंतर है, अगर मैं बात करूं। लेकिन कौन क्या काम करेगा, कौन किसके घर जाएगा शादी करके, ये सब समाज ने बनाया है, ये जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। देखो, हिंदी में आपको एक बार ट्रांसलेट करके देख लेना, पेपर में चेंज करके, हिंदी में भी लिंग लिखा होगा और इंग्लिश में भी, लेकिन अगर आप इंग्लिश में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा, अगर सेक्स लिखा है तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, अगर जेंडर लिखा है तो सोशल कंस्ट्रक्ट। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, बात ये कई बार आ चुका है। अब 2-3 शब्द आ जाते हैं, हमने समझ लिया जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। एक तो है जेंडर रोल्स, जो समाज में रोल्स दिए गए हैं, उनको हम जेंडर रोल्स कहते हैं। ठीक, एक है जेंडर बायसनेस, बायसनेस यानी लिंग पक्षपात, पक्षपात, लिंग पक्षपात। एक वर्ड है जो हमने पढ़ा है, जेंडर स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता। एक वर्ड है जेंडर पैरिटी, एक वर्ड है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। ये 3-4 शब्द हैं जो काम के हैं आपके। जेंडर पैरिटी होती है लिंग समता, ठीक। जेंडर न्यूट्रल है तटस्थता, कि आप किसी भी तरफ झुके नहीं है। न्यूट्रल का मतलब यही तो होता है, जो गियर है आपका वो भी न्यूट्रल है, दैट मींस कोई भी गियर में नहीं है, जीरो में है। ठीक, किसी भी तरफ आप झुके हुए नहीं है। ओके प्रिया, देखो नॉर्मलाइजेशन से आधे लोग इतने डर गए आज कि पढ़ने भी नहीं आए हैं। देखो एक बार कर लेंगे नॉर्मलाइजेशन पे बात। अगर हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, ये है जेंडर बायस। जेंडर बायस मतलब किसी भी सेंस में आप दो जेंडर के, हम या डिफरेंट अदर जेंडर की बात करते हैं, ठीक, मेल फीमेल और अदर, अगर हम बात करें तो आप क्या कर रहे हैं, बायस, पक्षपाती हैं आप किसी भी आधार पे, जेंडर के आधार पे, कि कोई लड़का है या लड़की है, अदर जेंडर है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, कि तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, तुम तो ट्रांसजेंडर हो या तुम फलाने हो। ठीक, जेंडर के आधार पे क्या है, हम पक्षपात कर रहे हैं, चाहे वो लड़के के साथ करें, चाहे वो लड़की के साथ करें, चाहे हम लड़के को ये कहें कि हम, मुझे तो लड़के नहीं पसंद, इसलिए मैं तुम्हें इंटरव्यू में पास नहीं होने दूंगी, तब भी ये पक्षपात है।
चाहे मैं लड़की के साथ करूं ये बात, तब भी पक्षपात है, क्योंकि आप जेंडर के आधार पर देख रहे हैं, आप उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी एबिलिटी के आधार पर नहीं देख रहे। तो ये बायसनेस किसी के भी प्रति हो सकती है। बायसनेस का मतलब है किसी भी एक तरफ झुकना। जबकि स्टीरियोटाइपिंग की अगर मैं बात करूं, रूढ़िबद्धता की, तो ये वो चीजें जो समाज में पहले से चली आ रही हैं। जैसे लड़कियां तो मैथ्स में कमजोर होती हैं, लड़के अच्छे होते हैं, है ना। लड़कियां तो जो है वो घर का काम करेंगे, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़के रोते नहीं है, ये भी क्या है, एक स्टीरियोटाइपिंग है, रूढ़िबद्धता है। ऐसा थोड़ी लड़के इंसान नहीं, उनमें इमोशंस नहीं है, या वो रो नहीं सकते हैं, वो कैपेबल नहीं है रोने के, ठीक। तो ये रूढ़िबद्धता है जो समाज ने स्टीरियोटाइप कर दिया है, रोल्स को टाइप कर दिया समाज ने इंसान में, और जोड़ दिया कि अगर इसके अगेंस्ट कुछ और करोगे तो तुम लड़कों की तरह रहती हो। ये कहां से, ये स्टीरियोटाइप है। तरह क्या होता है, कपड़े ही तो हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, स्टीरियोटाइप। अगर आप जो पहले से चला आ रहा है समाज में उसी को फॉलो कर रहे हैं तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक। अगर वैसे दोनों ऑप्शन साथ में कभी देता नहीं है, अगर आपको दिखे कि कोई चीज जो पहले से चली आ रही है, जैसे लड़के रोते नहीं है, लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं, है ना, तुम बाहर जाके क्या करोगी, इसको पढ़ लेने दो अपने भाई को, तुम क्या करोगी पढ़ के, ये सब स्टीरियोटाइपिंग है जो पहले से समाज में गलत चीजें चली आ रही हैं, उसी को हमने मान लिया। बायसनेस की अगर हम बात करें तो ये किसी के भी प्रति हो सकता है। हर एक स्टीरियोटाइप में बायसनेस तो इंक्लूडेड है ही ना। अगर आपने बराबरी समझी होती तो बायसनेस आती ही नहीं। तो हर एक स्टीरियोटाइप में बायसनेस है। बायसनेस किसी भी तरफ झुकना, स्टीरियोटाइप जो पहले से चला आ रहा है उसको ध्यान में रखना है, उसी को फॉलो करना। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक बच्ची है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, बट उसकी दादी उसको भेजना नहीं चाहती बाहर, क्योंकि हमारे घर की लड़कियां टूर पे नहीं जाती, स्पोर्ट्स नहीं खेलती, ये तो लड़कों का काम है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग है। एक जगह पे क्या है, टीचर ने लड़कों को बढ़ावा नहीं दिया, लड़कियों को दे दिया, तो ये पक्षपात है, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे, जेंडर पैरिटी यानी समता। आपको ये जेंडर पैरिटी का इस्तेमाल करना है एज अ टीचर, मतलब जेंडर के प्रति सेंसिटिव रहना है, किसी भी तरफ झुकना नहीं है, जेंडर इक्विटी का इस्तेमाल करना है, जहां जिसको जरूरत है उसके हिसाब से आप समझेंगे। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, जैसा कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन, और आई थिंक अभी तो बहुत ही आईसीसी ने आई थिंक किया है कि बैट्स मैन की जगह क्या बैट्स पर्सन और समथिंग कुछ, कोई तो एक वर्ड यूज किया इन लोगों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा था देख के। एक बार बताओ कमेंट करके, आप लोग ज्यादा अपडेटेड रहते हो, मैं थोड़ी बीमार भी चल रही हूँ आजकल, आज मेरे सारे बहाने बीमारी से लगेंगे, है ना, मैं गला गया बोलते बोलते। देखो एक बार नाम में क्या रखा है, हाँ ये बात भी सही है, फटाफट से बताओ। बैटर्स रखा है, एग्जैक्टली बैटर रखा है, बैटर बैटर, यस 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 यू आर राइट, यस बैट्समैन की जगह। ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का उदाहरण अगर आप देखेंगे आज की डेट में, बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है। पहले क्या करते थे, क्रिकेट में बात होती थी बैट्समैन की, बैट्समैन, ये बैट्समैन वर्ड अपने आप में जेंडर बायसनेस की तरफ लेके जा रहा है या स्टीरियोटाइपिंग की तरफ लेके जाएगा। ये इक्वल वाली, ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज नहीं है, बेसिकली ये कुछ भी ना करे। चलो हमने मान लिया आप जेंडर, अगर बैट्समैन है तो विराट कोहली को बैट्समैन ही कहोगे, मतलब ऐसा थोड़ी बैट्स वुमेन कह दोगे, तो अगर बैट्स वुमेन कहोगे तब भी प्रॉब्लम है। मतलब आपके काम में आपके जेंडर को दर्शाने की जरूरत नहीं है, आप काम से जाने जाओगे ना कि जेंडर से। यहां अगर मैं हिमांशी लड़की है लड़का है, ये आपको फर्क नहीं पड़ता इस टाइम पे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, आप काम की इज्जत करते हैं। तो ये क्या हुआ, बैट्समैन, ये बैट्समैन जेंडर न्यूट्रल नहीं थी, इससे जेंडर का पता लग रहा है, जबकि काम जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन से जाना जाना चाहिए, ना कि जेंडर की वजह से। तो ये बैटर कर दिया इन्होंने, बैटर मतलब जो भी बैट यूज करेगा, जो भी खेलेगा वहां पे खिलाड़ी है, ठीक है, तो ये बेटर हो गया वर्ड। तो ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को इन्होंने दर्शाया है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, कि आपके जेंडर को दर्शाने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है ये। जैसे कैमरा मैन कहने की जरूरत ही क्या है हमें, भाई कैमरा सिर्फ मैन ही चलाएगा, ये किसने कहा, कैमरा पर्सन है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो चाहे मेल हो फीमेल हो, हाउ डज इट मैटर, ठीक। अगर हम बात करते हैं, बैटर की बात हो गई, यहां कैमरा मैन की जगह हम कैमरा पर्सन यूज करते हैं, चेयरमैन की जगह हम चेयर पर्सन यूज करते हैं, है ना, प्रिंसिपल मैडम और प्रिंसिपल सर की जगह, वो जो खाली वर्ड है प्रिंसिपल, वो अपने आप में ऑलरेडी अच्छा है, ठीक, वो आप व्यक्ति को देख के लगा दें, तो ऐसा भी नहीं है कि आप पता चले आप स्कूल गए और प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई है, आप उनको मैडम कहने को तैयार नहीं, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, लिंग तटस्थ भाषा, जिसमें लिंग को दर्शाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में, मुझे नहीं लगता होगी आपको, कोई और किसी बात को समझने में दिक्कत हो रही है तो बताओ। हाँ, वॉचमैन, वॉच पर्सन भी हो सकता है, ठीक। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मैं थोड़ा सा 9 बजे से शुरू कर दूंगी, कल तो खैर कई सेशंस होने हैं मेरे आपके साथ, 4 बजे से ये मान लो कि मैं आपके साथ बैक टू बैक मिल रही होंगी कल, ठीक है।
यार अपनी बुक का अपडेटेड वर्जन रिलीज करो, विच विल इंक्लूडिंग फ्यू मोर टॉपिक्स लाइक डिसेबिलिटीज, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन डिटेल, कोट्स एंड बुक्स फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट. ठीक है अजिताभ, डिटेल्ड वर्जन जल्दी आएगा, बस कुछ मेरी मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ चीजें चल रही हैं जो पाइपलाइन में है, डिटेल वर्जन कुछ सोच के ही रोका हुआ है. बहुत ही अच्छा डिटेल्ड वर्जन आएगा, जो आप एक बार पढ़ेंगे किताब काम खत्म हो जाएगा, है ना. चलिए आगे की कहानी हम कल करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आए टाइम निकाल के, लेट हो गया सेशन फिर भी आप आए, और थोड़ी एनर्जी डाउन थी बट चीजें चल गई. कल हम चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन करेंगे, हम पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग करेंगे, इंटेलिजेंस को समझेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन करेंगे, आरटीई करेंगे, अभी तो काफी काम बाकी है जो हम कल करने वाले हैं, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस करेंगे, ये सब चीजें हम करने वाले हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस हुआ. ठीक, तो कल फैक्चुअल चीजें ज्यादा होंगी, आज डिटेल या कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा हुई हैं. ठीक, फाइनल एडमिट कार्ड आ गया क्या? हाँ, जिनका 16 को पेपर होगा उनका आ गया होगा. ठीक, कोई और बात हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा. आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच. ईवीएस के 50 पेज मैं अभी देख के शेयर कर दूंगी अगर नहीं किए हैं तो. ध्यान रखिए अपना, कल मिलेंगे, टेक केयर बिजनेस पर्सन. हाँ ठीक है, बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर कर देना ना किया हो तो. टेक केयर, कल दिन में तैयार रहना, किसी भी टाइम 4 बजे से शुरू कर देंगे, 4-5 बजे से शाम तक सेशन चलेंगे, 10-11-12 बजे तक.